इंदौर 4 मई गुरुवार को शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय कुसुम सामाजिक सेवा संस्था समिति के द्वारा एक अनूठी पहल की गई, जिसमें समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को घर जैसा वातावरण मिले, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा एवं देखभाल हो, इसके मद्देनजर यह आश्रम की शुरुआत आज की गई, जिसका औपचारिक उद्घाटन पूर्व स्पीकर रही सुमित्रा महाजन एवं कृष्ण मुरारी मोघे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संस्था की यह पहल निश्चित है शहर में एक नया आयाम खड़ा करेगी। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों का आभार श्री अभय पंडित जी ने माना, संचालक श्री राजीव जी के पीके ने किया। वंदे भारत न्यूज के लिए इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। एक बहुत ही अच्छा उपक्रम प्रतिभा का, ये देख रही। वैसे आजकल ऐसा हुआ है, यहाँ उनका मकान है, हर घर में ये बात है कि लड़का बहू कहीं नौकरी के दृष्टि से दूसरे शहर में, लड़की की विवाह विवाह होके वो अपने घर चली गई। ये अकेली प्रतिभा ताई अभी तक उनके सास ससुर की भी सेवा करी, माता पिता की करी, तो अभी उनके मन में वास्तव में एक बहुत अच्छी कल्पना जो आई है, ये वृद्धाश्रम नहीं है जी। लेकिन कई बार ऐसे होता है, एक समस्या आती है कि घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो और अगर बहू को या लड़के को कहीं जाना हो दो चार दिन के लिए, तो एक समस्या आती है कहाँ छोड़े जी। क्योंकि 24 घंटे का नौकर मिलना या रखना भी कई बार संभव नहीं होता है, और ऐसे में ये इस प्रकार का वृद्धाश्रम है कि चार दिन आप अपने माता पिता को या माँ हो तो जो भी वृद्ध व्यक्ति घर की है, यहाँ पर छोड़ के आप जा सकते हो। चार दिन वो प्रतिमा जी उनकी देखभाल करेगी, आप जब गांव से वापस आ जाओगे उनको ले जाना। तो एक प्रकार से ये मेहमान नवाजी वृद्धों की करेगी, ये एक प्रकार से सावली करके ये शुरू कर देंगे। एक बहुत अच्छी आज के ज़माने में एक आवश्यकता है, हमें ऐसा लगता है कई बार होता है ऐसा कि एक समस्या हो जाती है कि कर भी रहे लेंगे वो सब कुछ, लेकिन एक विश्वास होता है घर में अकेले छोड़ के कैसे जाना, ये भी होता है। तो इस दृष्टि से मैं बहुत सराहना करती हूँ, उन्होंने छोटे से घर में यह कल्पना की मेरा घर छोटा है लेकिन उसमें मैं किसी की सेवा करूँगी, तो सेवा भाव सबसे मुख्य है, ये एक बहुत एक अच्छी बात है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, एक नया प्रकार का प्रयोग किया है, सामान्यतः परिवार में वृद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को अपने काम के कारण बाहर जाना ही पड़ता है, और इसलिए अगर परिवार को बाहर जाना है तो प्रश्न आता है क्योंकि वो सफर कर नहीं सकते, तो उनकी व्यवस्था क्या की जाए। इस प्रकार की कठिनाई उसके प्रगति के अंदर न आए, व्यावसायिक काम से बाहर जाना है, पारिवारिक काम से बाहर जाना है, और अगर बाहर जाते तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, चार दिन को छः दिन को यहाँ पर रखेंगे और वो घर के मेहमान की तरह रखने की उनकी तैयारी है। मैंने अंदर जो देखा अच्छी व्यवस्था की है, और मैं समझता हूँ कि आज इसकी आवश्यकता थी और भावनात्मक रूप से इस काम को जो शुरू किया है, मैं बहुत बहुत उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और निश्चित रूप से इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, उनके काम के अंदर जो दिक्कतें आती थी वो दूर होंगी।